Hello everyone, welcome back once again to Parchum Classes, and we are going to proceed in our session, that is Banking Awareness Current Affairs for the month of April 2024, right? So, kya points hai hamare paas discuss karne ke liye, aaiye dekhte hain unhe. So, we have got it on the MCQ basis, okay? So, jitna bhi hamara April month ka current affairs hai, usko humne MCQ mein convert kiya hai. So, MCQ के फॉर्मेट में इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. सो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू. प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, नॉलेज भी आपका जो है, जो इन्फॉर्मेशन भी है वो तक आप तक पहुंच रहा है, और साथ ही साथ जो एक है ना प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट, वो भी यहाँ पर, वो एक एलिमेंट जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो रहा है, राइट? सो एज व्हाट वी कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर फॉर अस, what method is HDFC Bank employing to sell its stake in HDFC Education and Development Services? Okay, तो question क्या है, किसको लेकर है? HDFC Bank को लेकर है कि वो अपने stakes को dilute करने के लिए, अपने HDFC Education और Development जो services है उनके, उनके stakes को dilute करने के लिए वो कौन सा method अपना रहे हैं? So options हमारे पास चार हैं. So correct option हमारे पास क्या है यहाँ पे? Yes, the correct option will be B. That is the Swiss challenge method. Okay, so now HDFC Bank is using the Swiss challenge method. But what is basically the Swiss challenge method means? Okay, iska basic meaning kya hota hai? So as what we can see here with regard to the Swiss challenge method. Okay, so the answer here is it's a method basically that allows the private players, whom the private players to accept contracts from the government through the process of bidding, simple shabdon mein. Okay, the Swiss challenge method, it allows what? It allows all the private players, okay, to go ahead for the bidding for any type of the property or any type of the asset. For instance, independent of any instructions from the government, a private entity may present a plan for development of an infrastructure project with exclusive intellectual property rights. Intellectual property, that is hamara dimag. Dimag ko hum jo hai layman's shabd mein, layman's term mein generally hum bol dete na ki ye mera dimag ka upaj hai. Okay, this is my brainchild. Right? To usko jab hum baat karte hain terms ke andar, economics ke terms ke andar specifically, to wo kya ho jata hai? Wo ho jata hai intellectual property right. ओके, तो स्विस चैलेंज मेथड क्या है? स्विस चैलेंज मेथड है सिंपल शब्दों में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर बिड करना. ओके, दिस इज व्हाट, जस्ट वन सिंगल स्टेटमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. स्विस चैलेंज, प्राइवेट प्लेयर्स बिडिंग फॉर एनी काइंड ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दैट इज बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सो यहां पर क्या चीज है कि यहां पर आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के अंदर या बिडिंग के अंदर. ओके, कि हाँ ये मेथड मेरा है, मैं ही अपनाऊंगा. दिस इज माय पर्टिकुलर सेट ऑफ थॉट्स या दिस इज माय पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और प्रोसेस, राइट? सो दिस इज व्हाट बेसिकली द चैलेंज मेथड इज. किस नया है इसको भी हाल ही में? एचडीएफसी बैंक ने. अब दूसरा क्वेश्चन सेम पॉइंट से, व्हाई डिड एचडीएफसी बैंक सीक अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई रिगार्डिंग इट्स ओनरशिप इन एचडीएफसी एजुकेशन? तो एचडीएफसी बैंक को आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत क्यों पड़ गई उनको अपने HDFC एजुकेशन सर्विसेज को लेने के लिए? ओके, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? ओके, सो यस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी टू सीक रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फॉर डाइवेस्टिंग इट्स स्टेक. तो क्या करना है उनको? अब हमें पता है आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आप इसको एक नाम और दे सकते हैं, रेगुलेटरी बैंक ऑफ इंडिया. तो ये जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स के स्टॉक्स और डिबेंचर्स हैं, इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी. तो जब एचडीएफसी बैंक को अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर के जब स्टेक्स डाइल्यूट करने हैं तो उसको परमिट लेना है, डाइल्यूट करने हैं या जो है उनको एक्वायर करना है, तो उसको परमिट लेना है किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, राइट? जस्ट टू सीक रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर डाइवेस्टिंग इट्स स्टेक, राइट? नेक्स्ट, व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द सर्ज इन क्रेडिट कार्ड यूसेज इन इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2023? सो अकॉर्डिंग टू the report of the Indian market given by the RBI itself, okay, इन्होंने बताया कि हमारा जो credit card users जो हैं, यानी कि banks के credit card customers जो हैं,
इनमें एक बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीमेंट एनहांसमेंट देखने को मिला, राइट। अब ये जो इंक्रीमेंट या जो सर्ज, एक वर्ड यहां पे एक टर्म लिया गया है, ये सर्ज क्यों आया है मार्केट में? सो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास इसके लिए करेक्ट आंसर? ओके, सो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इश्यूड बाय द बैंक्स, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लैक ऑफ अट्रैक्टिव ऑफर्स फॉर कंज्यूमर्स, बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स फ्रॉम बैंक्स एंड चेंजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स फ्रॉम बैंक्स एंड चेंजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स, जो हमारा खर्चा करने का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आया है। अब हम देख रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम कोशिश करते हैं कि हमें चीजें ईएमआई पे ही मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मैं वन टाइम परचेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अब मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया है ईएमआई परचेज। और ईएमआई परचेज के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास? क्रेडिट कार्ड। अब वो क्रेडिट कार्ड मेरा बैंक का हो या एनबीएफसी का हो, डजंट मैटर्स। लाइक फॉर एग्जांपल, बजाज अलायंस का अपना एक कार्ड आने लगा है, शॉपिंग कार्ड। वो एक्चुअली किसी, वो डेबिट कार्ड नहीं है, वो है क्रेडिट कार्ड ही, और उसका इस्तेमाल आप कहां कर सकते हैं? किसी भी टाइप के अप्लायंसेस के परचेज में, चाहे आप रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, मोबाइल फोन खरीद रहे हो, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल गुड अगर आप खरीद रहे हैं, तो आप वो बजाज अलायंस का जो कार्ड है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फ्रॉम बैंक्स एंड चेंजिंग कंज्यूमर पैटर्न्स, राइट। नेक्स्ट, सो व्हिच बैंक हैज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, कौन सा बैंक है जिसके क्रेडिट कार्ड्स मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहे हैं? तो यस, द करेक्ट आंसर इज द एचडीएफसी बैंक। ओके, इस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स सबसे ज्यादा हैं अभी इंडिया में। ओके, चेंज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, एज ऑफ नाउ जो दिसंबर 2023 तक का, यानी कि लास्ट ईयर तक का जो डेटा है, वो बताता है एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के कस्टमर्स सबसे ज्यादा हैं। नेक्स्ट, व्हिच एंटिटी एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एलॉटी इन द कर्नाटका बैंक्स क्यूआईपी सिक्योरिंग अ सब्सटेंशियल 25% एलोकेशन, तो वो कौन सी एक कंपनी है, एंटिटी है, बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे ज्यादा 25% एलोकेशन लेकर आई है कर्नाटका बैंक के क्यूआईपी की? ओके, अब ये क्यूआईपी क्या होता है? अभी मेजॉरिटी ऑफ आप जो लोग होंगे, आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि ये क्यूआईपी मुझे नहीं पता है, राइट। सो डोंट वरी, विल डिस्कस अबाउट द क्यूआईपी एज वेल एज क्यूआईबी, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर है इसका मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर पीटीई। ओके, सो मॉर्गन स्टैनली वो बैंक है विच इज द लार्जेस्ट एलॉटी इन द कर्नाटका बैंक्स क्यूआईपी, जिसने 25% एलोकेशन जो है सिक्योर करके रखे हैं अपने पास। तो अब सवाल निकल कर आता है क्यूआईपी, व्हाट इज दिस? ओके, सो व्हेन वी सिंपली टॉक अबाउट क्यूआईपी, ओके, इट स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ओके, फुल फॉर्म क्या है क्यूआईपी का? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, एंड इट इज अ वे फॉर लिस्टेड कंपनीज। ध्यान रखना हमें एक बात का, इट इज अ वे जस्ट फॉर द लिस्टेड कंपनीज टू रेज कैपिटल बाय इश्यूइंग सिक्योरिटीज टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटीज एज इन साफ शब्दों में बॉन्ड्स। ओके, सो थ्रू क्यूआईपी द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे कैन परचेज व्हाट? द सिक्योरिटीज, दैट इज द बॉन्ड्स। ओके, and this method allows the companies to issue equity shares which is fully convertible, okay, convertible debenture, convertible kisme, obviously in cash or any kind of security other than warrants that are convertible into equity shares. Like for example, as a tension lene ki zarurat nahi hai, QIP, okay, what is the full form again? Qualified institutional placement. ये क्या है? ये किसी भी एक इन्वेस्टर को बोलता है कि आप एक काम करिए, आप मेरे से बॉन्ड्स खरीद लीजिए, किसी भी टाइप का एक सिक्योरिटी चाहे डिबेंचर आप मेरे खरीद सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से कन्वर्टेबल हो जाएगा किसमें? आपके लिक्विड असेट में, यानी कि कैश में। तो आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हाल ही में स्टैनली मॉर्गन जो बैंक है, उसने कर्नाटका बैंक के क्यूआईपी में 25% जो है सिक्योरिटीज अपने पास सिक्योर करके रख ली है, राइट। सो व्हाट इज क्यूआईपी अगेन? इट इज अ वे फॉर लिस्टेड कंपनीज टू रेज कैपिटल बाय इश्यूइंग सिक्योरिटीज टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
अब इसी में आता है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। सो जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, इंश्योरेंस कंपनीज हों, इनको हम क्या नाम दे सकते हैं? इनको हम नाम दे सकते हैं QIBs, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द दीज आर द टू टर्म्स, QIP एंड QIB, राइट? सो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिजिटा? डिजिटा दैट इज डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी प्रपोज्ड बाय RBI। तो हम सब जानते हैं किस तरीके से ये जो प्राइवेट मनी लेंडिंग एप्स हैं, जो आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर या iOS स्टोर पे इस वक्त बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और कितना इलीगल हैं ये, राइट? तो इनको कर्ब करने के लिए क्या हमारे पास अभी तक कोई पॉलिसी नहीं थी? तो आंसर है नहीं थी। लेकिन अब RBI लेकर आया है क्या? डिजिटा, दैट इज व्हाट, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। किसके लिए है? सीधी सीधी बात है, टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी मेजर एंड कॉम्बैट इलीगल लेंडिंग एप्स। तो इनको कॉम्बैट करने के लिए, इनको जो है हटाने के लिए लाया गया है क्या? डिजिटा। व्हाट इज डिजिटा? वंस अगेन, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, राइट? नेक्स्ट, हाउ वॉज द मर्जर बिटवीन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फाइनेंस स्मॉल फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रक्चर? तो अभी जो है मर्जर हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो मर्जर हुआ है, ये किस प्रिंसिपल के थ्रू हुआ है? तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? कैश एक्विजिशन, ऑल स्टॉक डील, डेप्ट फाइनेंस एक्विजिशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑल स्टॉक डील। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, मर्जर किसका किसका हुआ है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये मर्जर कौन से प्रिंसिपल के थ्रू हुआ है? ये हुआ है ऑल स्टॉक डील, दैट इज ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ये ऑल स्टॉक डील क्या होती है? सो ऑल स्टॉक डील, ओके, इट हैपेंस व्हेन वन कंपनी वांट्स टू बाय अनदर कंपनी एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश इट ऑफर्स टू गिव इट्स ओन शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ऑल स्टॉक डील के अंदर देयर इज अ कंपनी नोन एज कंपनी ए एंड देयर इज अनदर कंपनी नोन एज कंपनी बी। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? लेट्स से कंपनी ए इज गेटिंग मर्ज्ड विद कंपनी बी। सिंपली कंपनी बी इज परचेजिंग कंपनी ए, राइट? सो कंपनी बी को इन्हें क्या पे करना होगा? इन्हें पे करना होगा कैश, ऑब्वियसली पैसा, जो भी इनका वैल्यू होगी। लेकिन कंपनी बी के पास एक दूसरा रूट होता है कंपनी ए को पे करने के लिए, और वो ये है अपनी कंपनी के शेयर्स। ये कंपनी ए के जो भी ओनर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी कैपिटल होल्डर्स हैं, उनको ये दे देंगे कि ऐसा है आपकी कंपनी की वैल्यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर 100 रुपए है। ओके, तो आपको 100 रुपए कैश चाहिए होगा, राइट? ऑब्वियसली एक काम करते हैं हम, आपको 100 रुपए का शेयर दे देते हैं। ओके, सो इक्विवेलेंट प्राइस। तो कंपनी ए को भी लगता है कि यार ये सही है कि कैश रहेगा, वो मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा ही करूंगा, मैं स्टॉक्स ही ले लेता हूं, उनके शेयर्स ही ले लेता हूं। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं ऑल स्टॉक डील, यानी कि पैसा एक भी रुपए पे नहीं करना है, सब कुछ किस में पे हो रहा है? सब कुछ पे हो रहा है स्टॉक्स में, यानी कि कंपनी के शेयर्स में। जो कंपनी खरीद रही है वो अपनी ही कंपनी के शेयर्स दूसरी कंपनी को दे देती है पैसे के बदले, राइट? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टॉक डील। नेक्स्ट, What is the significant benefit of the merger of AU Small Finance Bank? तो जो merger हुआ ना, जो Fincare Finance Bank है, ये Southern India के जो है हमारा जो locations हैं, जो territories हैं, ये वहाँ पर active है। तो अब जो हमारा AU Small Finance Bank है, इसको अपना expansion, अपना market expand करने का अब एक अच्छी खासी extended territory मिल गई। So what will be the correct answer? To enhanced access to South India market. ठीक, तो फिनकेयर जो फाइनेंस कंपनी है वो साउथ इंडियन मार्केट के अंदर पहले से मौजूद है, अब AU का मर्जर होने की वजह से AU भी वहां पर अपने ब्रांचेस एक्स्ट्रा में खोल सकता है, राइट? सो एनहांस्ड एक्सेस टू साउथ इंडिया मार्केट। नेक्स्ट, व्हिच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया
लॉन्च्ड स्कोर्स 2.0. कौन सी बॉडी है जिसने स्कोर्स 2.0 को लॉन्च किया है? सो इट इज द करेक्ट आंसर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसने स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया है. क्या है स्कोर्स 2.0? फुल फॉर्म क्या है इसका? सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम. किस सिंपल शब्दों में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्कोर्स? सो सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम. व्हाट इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो सबसे पहली चीज ध्यान रखने की बात क्या है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे सेबी ने खुद डेवलप किया है. किस लिए? टू इजी एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस. तो जितने भी इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम. ठीक, तो जितने भी इन्वेस्टर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑनलाइन रिड्रेस करने के लिए, रिड्रेस मतलब एलिमिनेट करने के लिए, सेबी लेकर आया है क्या? स्कोर्स 2.0. राइट, तो सिंपल शब्दों में किसके लिए है? इन्वेस्टर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, ऑनलाइन, इजी एज वेल एज फास्ट. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द की फीचर ऑफ स्कोर्स 2.0? इसका की फीचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका ऑटोमेटेड रूटिंग एंड एस्केलेशन ऑफ कंप्लेंट्स. ठीक, सो इजी एंड फास्ट है तो ऑटोमेटेड रूटिंग एंड एस्केलेशन ऑफ कंप्लेंट्स. सो क्या कर रहा है? Enhances the efficiency of handling investor complaints by automating the process of routing complaints to the concerned intermediaries. जिसके पास वो कंप्लेन जानी चाहिए, जिस डिपार्टमेंट के पास जानी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली कंप्लेन के नेचर को आइडेंटिफाई करके, उसको वेरीफाई करके, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न्ड पर्सन है, उसके पास डायरेक्ट भेज दे रहा है. तो ये है इसकी अपनी खासियत, दैट ऑटोमेटेड रूटिंग एंड एस्केलेशन. राइट, उसके अलावा क्या है? यूनिफॉर्म टाइमलाइंस. ये एक पर्टिकुलर टाइमलाइन डिफाइन कर देता है कि इतने से इतने दिन के अंदर आपका जो भी ग्रीवेंस है वो रिड्रेस हो जाएगा. स्पेसिफिकली अ रिड्रेस, स्टैंडर्ड रिड्रेसल टाइमलाइन ऑफ 21 कैलेंडर डेज, स्पेसिफिकली 21 डेज फ्रॉम द कंप्लेंट रिसिप्ट. ओके, जैसे आज मैंने कंप्लेंट फाइल करी, आज से 21 दिन के अंदर मैक्सिमम मेरी जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी, जो भी समस्याएं मेरी हैं वो सॉल्व हो जाएगी, मैक्सिमम 21 डेज. राइट, नेक्स्ट, टू लेवल रिव्यू. तो अगर ऐसा हो सकता है कि पहला जो सॉल्यूशन आया मैं उससे खुश नहीं हूं, कोई बात नहीं, एक दूसरा लेवल भी आ जाएगा. क्या? डिससेटिस्फाइड इन्वेस्टर्स कैन सीक अ फर्स्ट रिव्यू बाय द डेजिग्नेटेड बॉडी एंड अ सेकेंड रिव्यू बाय सेबी. तो जो डेजिग्नेटेड बॉडी है, यानी कि जो इंटरमीडियरी है, वो तो सॉल्व कर ही रहा है, उसके अलावा अगर आप उससे भी खुश नहीं है, आप कहां जा सकते हैं? सीधे सेबी के पास जा सकते हैं. और उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है? इंटीग्रेशन विथ केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी. सो सीमलेस रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर्स इन टू स्कोर्स वाय इंटीग्रेशन विद द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी डेटाबेसिस. तो केवाईसी तो हम सब करवा रहे हैं, केवाईसी दैट इज नो योर कस्टमर. आपने भी करवाया होगा अपने बैंक में जाकर, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो लिंक हुआ है आपके अकाउंट नंबर से, वही है आपका केवाईसी, दैट इज नोन एज नो योर कस्टमर. तो ऐसे में इन्वेस्टर्स का भी केवाईसी कराने के लिए स्कोर्स 2.0 एक अलग केवाईसी इंटीग्रेशन जो है पोर्टल बनाकर चल रहा है कि इन्वेस्टर्स को भी कहीं से भी ऑथेंटिकेशन का या वेरिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन ना बन जाए. हेंस ओके, इट इज प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ दीज फोर वंडरफुल फीचर्स फॉर द इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट, What regulatory approval did Axis Bank receive for its proposed acquisition related to Max Life Insurance Company Limited? तो Axis Bank को किसके through approval मिला है अपने आप को acquire कराने के लिए Max Life Insurance Company से? तो वो है IRDAI, that is approval from the Insurance Regulatory and Development Authority of India. Okay, so what is the correct option? Option C. IRDAI, full form क्या है? Insurance Regulatory and Development Authority of India. Right? Next, what is the primary role of the Competition Commission of India? Competition Commission of India क्या करता है? तो obviously इसका काम है market के अंदर जो business rules and regulations हैं, या जो business principles हैं, ये उसको मेंटेन करके चले. देखो कंपटीशन कमीशन, सोचिए दिमाग में वो मत बैठा लेना कि यार ये एनटीए जैसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई है क्या. नहीं,
इनका किसी भी एग्जामिनेशन के कंडक्टर से या किसी भी जो है अपॉइंटमेंट से या रिक्रूटमेंट से लेना देना नहीं। कॉम्पिटिशन कमीशन इज मेंटेनिंग द फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? ओके, सेफगार्डिंग अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड प्रोमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन। कि सही चल रहा है, जो मार्केट में कॉम्पिटिशन है वो फेयर है, एथिकल है, कुछ भी गलत नहीं। राइट, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैनरा हील, अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैनरा बैंक। तो हर एक बैंक हम देख रहे हैं अपना अपना नया प्रोडक्ट निकाल रहा है। आप SBI निकाल रहा है, यस बैंक ने निकाला है, एक्सिस बैंक ने निकाला है, तो उसी तरीके से कैनरा बैंक लेकर आया कैनरा हील। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है कैनरा हील? ओके, सो इट इज कवरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड एड्रेसिंग हेल्थ केयर इंश्योरेंस शॉर्टफॉल्स। तो स्पेसिफिकली ना ये विमेन को ध्यान में रखते हुए, विमेन डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट वाला जो टर्म है, महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण को जो ध्यान में रखते हुए जो हम आगे पॉलिसीज और अपनी जो है प्रिंसिपल्स तैयार कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कैनरा बैंक ने अपना एक जिसे बोलते हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनिशिएट किया है। और अगर कोई भी विमेन है स्पेसिफिकली, ओके, तो उनका जो भी हेल्थ केयर इंश्योरेंस है या जो भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है इंश्योरेंस के जरिए, कैनरा हील उनको प्रोवाइड करा रहा है। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, विच फीचर डिस्टिंग्विशेस कैनरा एंजल, अ सेविंग्स अकाउंट फॉर वुमेन फ्रॉम अदर सेविंग्स अकाउंट्स। ओके, तो कैनरा एंजल अकाउंट जो है वो अपने आप को दूसरे अकाउंट से कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है? तो सेविंग्स अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट होता है, राइट, एक सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर ही कैनरा बैंक ने एक कैनरा एंजल बैंक अकाउंट बना रखा है। तो कैनरा एंजल बैंक अकाउंट जो है ये दूसरे अकाउंट से डिफर कैसे कर रहा है? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? सो इट विल बी द एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कैंसर केयर पॉलिसी। Once again, it is for specifically made for women. Okay, so Canara Angel, access to exclusive cancer care policy. Right? Next. What is the primary benefit of the virtual ATM that is known as VATM? VATM facility launched by J&K Bank and Paymart India Private Limited. So, aapke samne term aapko mil gaya hai. कि एक वर्चुअल एटीएम लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक, J&K बैंक एंड पेमेंट या पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका खासियत क्या है? सो इट इज ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग कार्डलेस कैश विड्रॉल्स थ्रू लोकल रिटेलर्स, है ना, कि मेरे पास अगर एटीएम कार्ड नहीं है, मेरे पास एक वर्चुअल कार्ड है, तो मैं वर्चुअल कार्ड लेके किसी भी रिटेलर के पास जाऊंगा, एक ओटीपी आएगा मेरे पास, वो ओटीपी मैं उसके साथ शेयर करूंगा, जितना भी कैश मैं अपने अकाउंट से निकालना चाहूंगा वो मैं विड्रॉ करा सकता हूं। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी, दैट इज कार्डलेस कैश विड्रॉल्स थ्रू दी लोकल रिटेलर्स। राइट, नेक्स्ट, हाउ डू कस्टमर्स वैलिडेट देयर ट्रांजैक्शंस यूजिंग वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी? ऑब्वियसली सीधे सीधे एक बेस्ट तरीका है, वो है वन टाइम पासवर्ड, दैट इज ओटीपी। ओके, so how they are going to do it? By receiving and sharing an OTP with the merchant, right? So what is the correct option? Option D. Next, why did RBI penalized LIC housing finance? तो next news क्या थी हमारे पास कि RBI ने LIC housing finance को penalty लगाया है, कुछ 50 lakh something के around penalty जो है impose करी है। तो क्यों पेनल्टी इंपोज करी है? ऑब्वियसली बिकॉज दे फेल्ड टू फॉलो द प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, सो ब्रीच ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस कोड नॉर्म्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सो पेनल्टी इंडिकेट्स दैट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस डिड नॉट अधेयर टू द फेयर प्रैक्टिस कोड नॉर्म्स, यानी कि जो ये फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे थे ये फेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू नहीं था, उसमें धांधली नजर आ रही थी, उसमें कुछ करप्शन नजर आ रहा था। ओके, सो विच गवर्न एथिकल प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग्स विद द कस्टमर्स, एंड दीज नॉर्म्स एंश्योर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रीट देयर कस्टमर्स फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, तो आरबीआई का जो कोड है, ओके, फेयर नॉर्म्स का जो कोड है, ये किस लिए? ये बताता है कि कस्टमर्स के साथ कोई भी धांधली ना हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे हर एक स्पेसिफिकली फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ने इन्हीं जो है कोड्स को,
इन्हीं इन्हीं नॉर्म्स को जो है ब्रीच किया, वॉयलेट किया, hence as a result RBI ने क्या ठोक दी इनके ऊपर, पेनल्टी। ओके, सो व्हाट वाज द रीजन फॉर आरबीआई इंपोजिंग अ पेनल्टी ऑन IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, अब RBI ने पेनल्टी फिर से इंपोज करी किसके ऊपर, IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये क्यों किया इन्होंने, यस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, नॉन कंप्लायंस वंस अगेन विद द डायरेक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। तो अपने ही मर्जी से जो है अपने कस्टमर्स को अपने ही जो है प्रिंसिपल्स पर लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस जो है उसमें क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है। हेंस एज अ रिजल्ट क्या बोल दिया गया कि भाई ऐसा है आपके ऊपर तो पेनल्टी लगेगी। व्हाई? बिकॉज वंस अगेन नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑन लोन्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन SIDBI एंड कर्मा लाइफ। तो SIDBI और कर्मा लाइफ के बीच में पार्टनरशिप हुई है, तो प्राइमरी गोल क्या है इसका? So, इसका जो प्राइमरी गोल है, इंडिया में काम कर रहे जो गिग वर्कर्स हैं, गिग या इसे अलग प्रोनाउंसिएशन में गिज वर्कर्स भी बोल देते हैं, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो गिग, GIG, गिग वर्कर्स, उनके लिए वो है। ठीक, ओके, सो टू एक्सटेंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू गिग वर्कर्स। अब क्वेश्चन एक आ गया होगा दिमाग में कि भाई ये गिग वर्कर क्या होते हैं? तो इंडिया हम जानते हैं कि वो वाली इकोनॉमी है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे लोग जिनके पास कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जिनके पास कोई भी जो है वर्क कल्चर भी नहीं होता, यानी कि इनके पास कोई भी वर्क बेनिफिट भी नहीं होता, ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी होती। तो ऐसे में इनको जो है प्रोवाइड कराने के लिए SIDBI और कर्मा लाइफ ने जो है गिग वर्कर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए जो है अब टाई अप किया है। सो हु आर गिग वर्कर्स? दोज हु आर वर्किंग ऑन फ्रीलांस बेसिस, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ऑन पार्ट टाइम बेसिस, इन एनी काइंड ऑफ द इनऑर्गेनाइज्ड और द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनको हम क्या कहते हैं? गिग वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सर्ज इन स्मॉल बिजनेस लोन्स अंडर दी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो सर्ज आया, यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है, उसके पीछे का रीजन क्या है? ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? ओके, सो इट इज ऑब्वियसली यस, गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे इंसेंटिव्स और साथ ही साथ सब्सिडीज जो कि स्मॉल बिजनेस को मिल रहे हैं। हमने अपने पिछले वीक के ही बैंकिंग अवेयरनेस जो वीकली जो सेक्शन था उसके अंदर हमने यही चीज डिस्कस करी है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के सब्सिडीज और इंसेंटिव्स जो हैं ये एग्जैक्टली टारगेटेड बेनिफिशियरीज, यानी कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उनके पास जा रही है। तो जो कंपनीज हैं उनको सब्सिडीज मिल रही है, उनको अपने प्रोडक्शन पे सब्सिडी मिल रही है। एक स्कीम आई है गवर्नमेंट की, PLI, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके थ्रू क्या बता रहे हैं कि जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, जितना जो है प्योर आपका प्रोडक्शन होगा, लेसर ऑफ द कॉस्ट मैक्सिमम ऑफ द इनपुट आपको जितना मिलेगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट आपको उस पर इंसेंटिव या सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। तो वो एक PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो यही बता रहा है कि अभी जो हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो कि स्मॉल फाइनेंसेस, जो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके फाइनेंस के लिए है, उसमें हम बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, दैट इज ऑप्शन टू। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इंपैक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन फिर से आ रहा है, जनधन, आधार, मोबाइल, जैम, ट्रिनिटी, हम लोग इसको जो है कई दफा जो है तमाम जो अपने पिछले सेशंस हुए हैं उनमें इसको डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबके पास बैंक अकाउंट हो, सबके पास जो है फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म अपना अवेलेबल हो, राइट? तो उसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन आया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? यस, बाय ऑफरिंग कोलेट्रल फ्री इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप टू ₹10 लाख। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अपनी एक जो है प्रिंसिपल है, स्कीम है कि कोलेट्रल फ्री, कोलेट्रल मतलब कुछ भी गिरवी रखे बिना, कुछ भी मॉर्टगेज किए बिना ₹10 लाख तक का लोन जो है स्मॉल बिजनेसेस को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू दिया जा रहा है। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ HDFC बैंक्स न्यू ब्रांच इन कवरावती या कवरत्ती आइलैंड इन लक्षद्वीप। तो सबसे पहली चीज, HDFC बैंक पहला प्राइवेट बैंक बना है
लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के ऊपर अपना ब्रांच खोलने की, राइट? सो इट इज द एचडीएफसी बैंक, और प्राइमरी फोकस क्या है इनका, राइट? ऑब्वियसली जो पर्सनल बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं वहां पर रह रहे लोगों को प्रोवाइड कराना, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग पर्सनल बैंकिंग एंड डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, व्हाट अप्रूवल डिड रिवोल्यूट इंडिया रिसीव फ्रॉम द आरबीआई? तो रिवोल्यूट इंडिया ने आरबीआई से एक अप्रूवल लिया है। किसके लिए लिया है अप्रूवल? वो लिया है लाइसेंस टू इश्यू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई के लिए लाइसेंस लिया है। किसने? रिवोल्यूट इंडिया ने। ऑब्वियसली लाइसेंस किससे लेंगे? आरबीआई से लेंगे, राइट? ओके, अब पीपीआई क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सिंपल शब्दों में ना, जैसे आपका पेटीएम वॉलेट किसी जमाने में होता था, खैर अभी तो आरबीआई ने इसे बंद करवा रखा है, लेकिन आज में आपके पास आपका फोन पे का वॉलेट होगा या अमेजोन पे का वॉलेट होगा, आपका हो सकता है जो स्विगी है या ओला मनी का आपके पास वॉलेट हो सकता है, आपके स्विगी मनी पे एक वॉलेट हो सकता है। तो वो क्या है, आप लेट से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का आपने अपने अमेजोन पे के ऊपर वाउचर खरीद के रख लिया, तो देखा जाए ना तो आपके अकाउंट से 1000 रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन आपके वो 1000 रुपए अभी भी आपके पास हैं, पैसे के फॉर्म में नहीं है, वाउचर के फॉर्म में। अब वो 1000 रुपए का मैं अपना अमेजोन का वाउचर या मेरा कोई भी एक ई वॉलेट मैं अब किसी भी दूसरे परचेज में यूज कर सकता हूं, चाहे मैं कोई उससे गुड्स खरीद लूं, चाहे उससे मैं कोई सर्विसेज अवेल कर लूं, राइट? तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, राइट? सिंपल शब्दों में बहुत जो सबसे नजदीकी एग्जाम्पल जो आप रिलेट कर सकते हैं वो है आपका पेटीएम वॉलेट या आपका फोन पे का वॉलेट या कोई सा भी एक ई वॉलेट। तो वो ई वॉलेट जो होता है उसको क्या कहते हैं? पीपीआई। तो अभी पीपीआई के लिए किसने अप्रूवल लिया है? रिवोल्यूट इंडिया ने। ऑब्वियसली लेने वाली देने वाली एजेंसी जो होगी लाइसेंस वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो व्हाट डज द पीपीआई लाइसेंस अलाउ रिवोल्यूट इंडिया टू डू? तो ये पीपीआई लाइसेंस के जरिए क्या हो जाता है, इनको क्या मिलेगा रिवोल्यूट इंडिया, आप क्या कर पाएगा? सो ये मल्टीपल जो फॉरेक्स कार्ड्स हैं ये इसको इश्यू कर पाएंगे, राइट? सो इश्यू मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड्स एंड प्रोवाइड क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सर्विसेज। ओके, तो दिस इज व्हाट द पीपीआई विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द रिवोल्यूट इंडिया फाइनेंस कंपनी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन आईएमजीसी? व्हाट इज आईएमजीसी? इंडियन मॉर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन, ओके, एंड द बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप है, ओके, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कौन किनके किनके बीच पार्टनरशिप हुआ है? इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन, ओके, एंड द बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या है सही जवाब? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, टू इंट्रोड्यूस मॉर्टगेज गारंटी बैक्ड होम लोन्स प्रोडक्ट्स। ठीक, तो मॉर्टगेज को गारंटी करने के लिए होम लोन के कुछ जो है एक नए प्रिंसिपल्स को या नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया है, किन दोनों ने मिलकर? आईएमजीसी एंड द बैंक ऑफ इंडिया। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? यस, दैट इज टू इंट्रोड्यूस मॉर्टगेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स, कि आपका जो अभी मॉर्टगेज किया है आपने वो भी एक गारंटी के तौर पर पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई आंच नहीं आएगी, ठीक है, एक खरोच तक नहीं आएगी, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, आपको सिर्फ अपना होम लोन लेने की जरूरत है और अपना घर बनवाने की जरूरत है। तो ये कौन लेकर आया है? आईएमजीसी, दैट इज इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन एंड द बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाउ डज आईएमजीसीज इन्वॉल्वमेंट बेनिफिट बैंक ऑफ इंडिया इन दिस पार्टनरशिप? तो आईएमजीसी का ये इन्वॉल्वमेंट बैंक ऑफ इंडिया को किस तरीके से प्रॉफिट दे देगा, क्या देगा ये इनको यहाँ पे? ऑब्वियसली बाय मिटिगेटिंग डिफॉल्ट रिस्क एसोसिएटेड विद द होम लोन्स। तो जो डिफॉल्ट हो जा रहे हैं लोन्स अब वो नहीं होंगे, राइट? बिकॉज उसको क्लियर कराने के लिए, उस असेट को रिस्ट्रक्चर कराने के लिए या उस असेट को डूबने से बचाने के लिए आईएमजीसी वहां पर मौजूद है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इडिएशन एक्स इनिशिएटिव? तो अब आपके सामने एक टर्म है कि एसबीआई का एक इनिशिएटिव आया है, इनिशिएटिव का नाम क्या है? आइडिएशन एक्स। ओके, तो इसका प्राइमरी गोल क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द आइडिएशन एक्स? सो इट इज फॉर द सेक ऑफ
इनोवेशन इन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। तो जितने भी हमारे लाइफ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको नए आइडियाज प्रोवाइड कराने के लिए, इनको नए सिस्टम्स, इनको नए अप्रोच, नए प्रोसेस प्रोवाइड कराने के लिए SBI लेकर आया है क्या? आइडिएशन एक्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, टू फॉस्टर इनोवेशन इन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, व्हाट डज NCMC स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक्स न्यू कार्ड्स? तो एयरटेल पेमेंट बैंक का अपना एक नया कार्ड आया है जिसके ऊपर एक टर्म नोट किया गया है, दैट इज NCMC। तो NCMC का फुल फॉर्म क्या है? That is option B, National Common Mobility Card। इसके थ्रू आप जो है ऑफलाइन ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। ओके, अगर इसकी NCMC की अगर हम पूरी खासियत को लेकर चले, सो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वॉट इज द की फीचर ऑफ द NCMC इनेबल्ड ई कार्ड्स? ओके, इसका खासियत क्या है? सो दे सपोर्ट ऑफलाइन ट्रांजिट ट्रांजेक्शंस। तो अगर एक एरिया से दूसरे एरिया पर आप कोई भी सामान भेज रहे हैं और बीच में कहीं पर पेमेंट कराना है, तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, एयरटेल पेमेंट बैंक का जो NCMC कार्ड है वो आपको ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस करवा कर दे सकता है। ओके, दैट इज व्हाट द बेनिफिट इज। नेक्स्ट, विच इंडियन बैंक सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन अमंग इंडियन बैंक्स इन 2023 लिस्ट ऑफ टॉप बैंक्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन बेस्ड ऑन द असेट्स According to S&P Global। तो S&P Global की एक रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि इंडिया का एक बैंक है जो कि 2023 के जो टॉप इंडियन बैंक्स हैं और खास तौर पर एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर उसे वो टॉप कर रहा है। तो यस, इट इज नन अदर देन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज SBI। ओके, नेक्स्ट, What is the primary objective of IndusInd Bank's pilot program with CIH, that is Center for Innovation in Healthcare, involving programmable CBDC? CBDC हम सब जानते हैं, हम इसको भी कई दफा जो है डिस्कस कर चुके हैं, that is what? Central Bank Digital Currency। तो अब यहां पर क्या आया है क्वेश्चन, क्या फिर से देखते हैं, ऑब्जेक्टिव बताना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसका? IndusInd Bank के पायलट प्रोग्राम का जो कि CIH के साथ मिलकर किया गया है। CIH का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? सेंटर फॉर इनोवेटिव या इनोवेशन इन हेल्थ केयर। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं यहां पर CBDC की। ओके, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और हम बात कर रहे हैं एनहेंसमेंट ऑफ द रूरल मेडिकल हेल्थ केयर। ओके, सो ऑप्शन इज बूस्टरिंग हेल्थ केयर फाइनेंसिंग इन द रूरल रीजन्स। और इसका जो ट्रेड है उसमें क्या बता दिया गया कि CBDC यहां पर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कौन कौन कर रहा है इसको? यस, इट इज द इंडसइंड बैंक, उसके अलावा दूसरा CIH। व्हाट इज CIH? सेंटर फॉर इनोवेशन इन हेल्थ केयर। कहां पर टारगेट कर रहे हैं? रूरल एरियाज के अंदर जो हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट अप कराने। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पायलट प्रोजेक्ट ऑन प्रोग्रामेबल CBDC कंडक्टेड बाय इंडसइंड बैंक इनिशियली फोकस्ड? सॉरी, वेयर वाज द पायलट प्रोजेक्ट इनिशियली फोकस्ड? तो कहां पर, कौन से एरिया में इसको लॉन्च किया गया था इनिशियली? तो इट वाज यस इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सो यहां से इस जो है इनिशिएटिव को लेकर आया गया है। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट विथ द अप्रैल मंथ बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स। ओके, आई होप द सेशन वाज यूजफुल, और अगर कोई भी आपका डाउट है, फीडबैक है, सो प्लीज डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल इमीडिएटली कम बैक टू इट। ओके, एंड विल ट्राई टू eliminate the doubt at earliest. Okay everyone, so thank you so much for watching me. See you all soon. Bye bye. Take care. Jai Hind.